तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 में। तो पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है, और डिफरेंट वाटर डिमांड्स को देख चुके थे। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कितना डिमांड होता है, या इंस्टीट्यूशनल के लिए कितना होता है, या इंडस्ट्रियल के लिए क्या होता है। फिर हमने देखा था कि एनुअल एवरेज डिमांड क्या होता है, तो अलग अलग डिमांड को देखा था। फिर तो आज बात करें किस डिमांड के लिए वाटर सप्लाई डिज़ाइन करेंगे। अगर किसी शहर के लिए सप्लाईज की वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करना है तो किस डिमांड के लिए करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक किसी दिन का डिमांड 50 LPCT था, किसी दिन 250 LPCT था, किसी दिन 300 LPCT था, फिर किसी दिन 225, 175। तो डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या किया, सबका एक समेशन लिया और फिर एवरेज निकाला। एवरेज निकाला तो आया 200 LPCD। अब सवाल ये होता है, अगर 200 LPCD पर डिज़ाइन करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन हम 200 लीटर वाटर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन यहाँ जैसे कि पहले दिन है, अगर 50 LPCD हमारा डिमांड है और हमने 200 लीटर सप्लाई किया है, तो उस दिन तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन डिमांड 250 था लेकिन हमने सप्लाई किया 200, तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। फिर तीसरे दिन डिमांड था 300 LPCD और सप्लाई किया 200, तो ये भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। चौथे दिन 225 डिमांड था, सप्लाई किया 200 LPCD, तो इस दिन भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एवरेज एनुअल डिमांड को लेकर वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो बेसिक डिमांड है वो फुलफिल ना हो। तो नेक्स्ट सवाल आता है, किस डिमांड पे हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि डिज़ाइनिंग ऑफ रॉ वाटर स्कीम इज़ नॉट डन फॉर एनुअल एवरेज डेली डिमांड एज इट वुड नॉट बी कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड वेयर इट इज़ मोर देन एवरेज। जब एवरेज से ज़्यादा डिमांड हो जाएगा उस दिन हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा वाटर सप्लाई स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा डिमांड ही फुलफिल नहीं हो पा रहा। जो बेसिक पर्पस है दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। हेंस फॉर डिजाइनिंग ऑफ रॉ स्कीम फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड मस्ट बी नोन। तो फ्लक्चुएशन पता होना चाहिए हमें कि एवरेज से कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है डिमांड, या एवरेज से कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर वह फ्लक्चुएशन हमें पता है तो उसके आधार पर डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। हेयर फ्लक्चुएशन सिग्निफाइज हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम डिमांड इज मोर देन एवरेज डिमांड और मिनिमम डिमांड इज लेस देन एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड से कितना कम है मिनिमम डिमांड और एवरेज डिमांड से कितना ज़्यादा है मैक्सिमम डिमांड, तो ये फैक्टर डिसाइड होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन यहाँ पर गिवेन है क्यू मैक्स अपॉन क्यू एवरेज या क्यू एवरेज अपॉन क्यू मिनिमम, ये फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन डिमांड ऑफ वाटर आर एज फॉलोस। अब ये एक ग्राफ है, अब इस ग्राफ में दिखाया गया है, टाइम दिया गया है और डिमांड, वाटर डिमांड दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल 6 से 8 बजे के करीब डिमांड यहाँ सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है सुबह का टाइम है तो ज़्यादा डिमांड होगा। फिर धीरे धीरे दोपहर के टाइम डिमांड घट जाता है और फिर शाम में थोड़ा डिमांड बढ़ता है, तो ये फ्लक्चुएशन है एक पूरे दिन का। तो मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल साल का हम डिमांड निकाल चुके हैं वॉल्यूम वी, और 365 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो ये पूरे साल का एक एवरेज वैल्यू बता रहा है कि लगभग हर दिन ये डिमांड होगा, बट किसी दिन हो सकता है कि मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा 1.8 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम डेली डिमांड कहलाएगा। अब ये 1.8 कैसे आया, तो ये प्रॉपरली ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, ये टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एम्पिरिकल एक रिलेशन है। डिमांड ऑफ दैट डे इन अ ईयर विच इज़ मैक्सिमम इज टर्म्ड एज मैक्सिमम डेली डिमांड। तो जिस दिन मैक्सिमम डिमांड होगा उस दिन कह देंगे कि मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, अब उस मैक्सिमम डे में 24 घंटे होते हैं, तो किसी एक घंटा ऐसा होगा जिस वक्त
डिमांड सबसे ज़्यादा होगा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। तो मैक्सिमम डे का जो एवरेज आवरली डिमांड होगा उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ठीक है, अब वो एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। और मैक्सिमम डेली डिमांड को भी जस्ट ऊपर निकाला था, 1.8 इंटू एवरेज एनुअल एवरेज डेली डिमांड। यहाँ से आ जाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इज इक्वल टू 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। परसेंटेज रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द एवरेज डिमांड फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग गुडरिच इक्वेशन। एक इक्वेशन भी है, एम्पिरिकल इक्वेशन भी है, जिससे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं फ्लक्चुएशन का, कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड एक इक्वेशन है, गुडरिच इक्वेशन कहते हैं, उसके मदद से निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू होता है 180 इंटू टी टू द पावर माइनस 0.1। टी क्या है, टाइम है, डेज में, और टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डे। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म हमने बनाया है, तो आवरली के लिए फ्लक्चुएशन होगा 2.7, डेली के लिए होगा 1.8, वीकली के लिए 1.48, मंथली के लिए 1.28 और ईयरली के लिए 1। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज आवरली, इसका क्या मतलब हुआ कि मंथ मंथ मैक्सिमम अपॉन एवरेज, ये वैल्यू है सारा। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड अपॉन एवरेज आवरली डिमांड, एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, ये क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एनुअल एवरेज डेली डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम वीकली डिमांड अपॉन एनुअल वीकली डिमांड, एनुअल एवरेज वीकली डिमांड। मंथली का क्या मतलब है, 1.8, ये क्या हो गया, मैक्सिमम मंथली डिमांड अपॉन एनुअल एवरेज मंथली डिमांड, और ईयरली तो का 1 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिगर इज द सैम्पल साइज स्मॉलर द डेविएशन, हेंस विद इंक्रीज इन टाइम फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग। अब हम सैम्पल साइज हम बढ़ा रहे थे ऊपर से नीचे आने में, तो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वही लिखा गया है कि बिगर द सैम्पल साइज स्मॉलर इज द डेविएशन, हेंस विद इंक्रीज इन टाइम फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग। टाइम बढ़ाएंगे तो फ्लक्चुएशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड 2.7, हाउएवर आवरली वेरिएशन फैक्टर इज 1.5। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड, तो वो 2.7 बताएंगे, लेकिन पूछेगा कि हाउ आवरली वेरिएशन फैक्टर क्या है, तो 1.5। फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड इज ऑल्सो टर्म्ड एज पीक फैक्टर, इसको पीक फैक्टर भी कहते हैं, विच डिपेंड्स ऑन अपॉन पॉपुलेशन एज फॉलोज। तो पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम होगा तो पीक फैक्टर विल बी 3, पॉपुलेशन अगर 50,000 से 2,000 के बीच में होगा तो 2.5, और अगर 2 लाख से ज़्यादा होगा तो पीक फैक्टर 2। तो अगर एक क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया रहा तो ये वाला वैल्यूज लेंगे, अगर नहीं दिया रहा तो सिंपली हम 1.5 टिक मारेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्लक्चुएशन डिजाइनिंग मस्ट बी डन फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। तो हमने क्या पढ़ लिया, मैक्सिमम डेली डिमांड पढ़ लिया, मैक्सिमम आवरली डिमांड पढ़ लिया, तो अब हम डिज़ाइन किस पे करेंगे, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे पे पढ़ेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस QFD, QFD कहते हैं फायर डिमांड को। तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कंबाइनिंग, इसको QCD भी कहते हैं, को इंसिडेंट ड्राफ्ट भी कहते हैं। और जो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके लिए हम सप्लाई को डिजाइन करेंगे। व्हाट इज को इंसिडेंट ड्राफ्ट, इट इज द एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम को इंसिडेंट ड्राफ्ट कहते हैं। डिजाइनिंग लाइफ एंड डिजाइनिंग डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रॉ वाटर स्कीम। तो अलग अलग कंपोनेंट्स का डिजाइन लाइफ और डिजाइन डिस्चार्ज गिवन है। तो पहले हम बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स का डिजाइन लाइफ 50 ईयर्स और डिजाइन डिस्चार्ज QMD, क्या हो गया, Q मैक्सिमम डेली
और 50 साल। 50 साल क्यों लेते हैं? क्योंकि सोर्स तो फिक्स रहने वाला है, बहुत दिनों तक कोई चेंज उसमें, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में या ग्रोथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोर्स या तो सरफेस सोर्स होगा या ग्राउंड सोर्स होगा, तो वो लगभग सेम रहेगा। फिर P1 पाइप 1 30 साल, और डिज़ाइन डिस्चार्ज QMD यहाँ पे पंप या कैनाल 15 साल के लिए। और एक QMD स्टार इसलिए लगाया गया है कि हम चूंकि पंप लगाकर इसके डिस्चार्ज कैपेसिटी को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी तरह से पाइप वन को सेम 30 साल, और QMD मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, और WTP को 15 साल, और QMD मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पाइप वन सेम, सर्विस रिजर्वायर 15 साल, और इसको वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन करते हैं। पाइप टू को 30 साल, और यहाँ पे सर्विस रिजर्वायर के बाद जो कंपोनेंट है वाटर सप्लाई स्कीम में, पाइप टू और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डिज़ाइन हम करेंगे मैक्सिमम आवरली डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे सर्विस रिजर्वायर के बाद हम इस वैल्यू के लिए डिज़ाइन करेंगे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड, जो मैक्सिमम होगा, लेकिन उससे पहले हम मैक्सिमम डेली डिमांड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी तो स्टोर हो गया, उसके बाद इस सर्विस रिजर्वायर के कारण हमें ये छूट मिलती है कि उससे पहले वाले कंपोनेंट्स को कम डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई तो सर्विस रिजर्वायर में स्टोर पानी है, सप्लाई उससे सप्लाई करना है, तो इसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये छूट है कि हम कम डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारा कैपेसिटी, हमारा इकोनॉमिकल हो गया वाटर सप्लाई स्कीम, कम पैसा में पूरा स्कीम बन चुका है। उसी तरह से अगर डिज़ाइन लाइफ की बात करें, तो यहाँ 15 साल पे क्यों किया और 30 साल पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा जल्दी होता है, तो हम लोग से स्कोप है कि अगले 15 साल 20 साल बाद चेंज कर सकते हैं, WTP हो गया। लेकिन जो ज़्यादा डिज़ाइन लाइफ 30 सालों के लिए, तो मोर और लेस सेम रहने वाला है, इसलिए हम ज़्यादा सालों के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं। तो एस मतलब सोर्स हो गया, PI पाइप 1, PNC पंप और कैनाल जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था, WTP हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, SR सर्विस रिजर्वायर, DS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिज़ाइन लाइफ सिलेक्शन। अब डिज़ाइन लाइफ सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा फैक्टर है? तो पहला हो गया कि लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स डिपेंड अपॉन रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर पता है कि जो कंपोनेंट हम लगा रहे हैं उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है, तो उसे कम बहुत तेज़ी से बदल भी सकते हैं, तो कम लाइफ के लिए डिज़ाइन करेंगे। मोबाइल हर साल नई 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 टेक्नोलॉजी की आ रही है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी, सही बात है। ईज एंड डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर हम जल्द आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं तो लाइफ कम देंगे, अगर वो चेंज नहीं होने वाला है, एक ही एक्सपेंशन करना मुश्किल होगा, तो हम ज़्यादा लाइफ के लिए डिज़ाइन करेंगे। उसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑफर, एंटिसिपेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा तेज़ी से अगर ग्रोथ होने वाला है पॉपुलेशन का, तो हम ज़्यादा दिनों के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई आज डिज़ाइन डिज़ाइन डिमांड और डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड विथ वाटर सप्लाई स्कीम हैविंग पर कैपिटा डिमांड ऑफ 200 LPCD। कंप्यूट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड्स ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम, डिज़ाइन कैपेसिटी निकालना है। तो क्या गिवन है हमें? पॉपुलेशन दिया हुआ है, पर कैपिटा डिमांड दिया हुआ है 200 LPCD, तो एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड 200 LPCD हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड्स ऑफ दिस स्कीम, तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकालने के लिए क्या करना होगा? 200 LPCD इंटू पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 25 1.5 लाख, और चूंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 10^-6 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 30 LPCD। यह आ गया आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड, और मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा? 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड, दैट विल गिव यू मैक्सिमम डेली डिमांड। यह आ गया 54 LPCD। मैक्सिमम आवरली डिमांड करने क्या करना पड़ेगा? 2.7 इंटू आवरली डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे करना पड़ेगा, तो 2.7 इंटू 30/24, यह आ गया 1 टन। यह आएगा मिलियन लीटर पर आवर में,
डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 81 ML D। फायर डिमांड क्या होता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, QFD इज इक्वल टू 100 इंटू रूट पी, पी इज पॉपुलेशन इन 1000, पी क्या आ गया पॉपुलेशन इन 1000। तो यहाँ पे किलो लीटर पर डे में आएगा, तो MLD में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फिर आ गया कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, QMD मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, तो मैक्सिमम डेली डिमांड 54 और उसमें ऐड कर दिया। तो सोर्स पाइप वन पंप कैनाल ट्रीटमेंट प्लांट, इसको इसे करेंगे क्यू मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, एंड इफ पी पंप ऑपरेट्स फॉर 8 आवर्स देन, जो अगर सिर्फ 8 घंटे ही चलता है तो उसको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम डेली डिमांड पूरे दिन भर के डिज़ाइन डिस्चार्ज है, लेकिन सिर्फ 8 घंटे अगर पंप चलेगा तो उसको लगभग 24 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा। और पाइप टू और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्सिमम आवरली डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट करेंगे, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हमारे यहाँ पे 55 ML D है यहाँ पे, तो मैक्सिमम आवरली मैक्सिमम हो गया, तो 81 ML D के लिए डिज़ाइन करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।